आर एस कॉम्प्लीमेंट में तो बाइनरी के लिए, तो बाइनरी का जो बेस टू था, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट था? एक वन एस कॉम्प्लीमेंट और एक आपका 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे 1s कॉम्प्लीमेंट, अब जैसे अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जांपल अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि 01010, ठीक है। अभी पहले कन्वेंशनल तरीके से देखते हैं, किसी ने बोला कि लाइक इसका आप क्या निकालो, 1s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डायरेक्ट 2s कॉम्प्लीमेंट तो निकाल नहीं पाएंगे, यस नो, ठीक है। तो क्या निकालो आप, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हो इस बाइनरी के लिए जो हाईएस्ट बिट है, कितने बिट है, 1 2 3 4 5 6, तो हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है, बोलो हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 1 1 1 1 1 3 3, ठीक है। और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, जिसका हमें क्या निकालना है, 1s कॉम्प्लीमेंट, 0 1 0 1 1 0, ठीक है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, लाइक 1 0 0 1 0 1, दिस इज व्हाट, दिस इज 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, दिस इज 1s कॉम्प्लीमेंट। और अगर मान लीजिए यहीं पे हमें क्या चाहिए, 2s कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 ऐड कर देना पड़ेगा, कि लाइक कि प्लस 1 अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 1 एंड 1 0 1, ठीक है ना, 0 और यहाँ पे कैरी गया था तो 1, बाकी तो ऐसे ही। तो ये क्या हो गया, 1s कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो गया, 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्शन है, अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्वेशन से क्या है, ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान दो तो क्या हो रहा है, किस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ए का या बी का, किसका निकालना था, बी का। तो अगर आप ध्यान दो तो 0 का क्या हो गया है, 1, 1 का क्या हो गया है, 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। तो लाइक इस तरीके से कोई भी नंबर आप उठा लोगे, कोई भी नंबर उठा लोगे, आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा कि जिस नंबर का आपको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो सारे के सारे बिट, इंडिविजुअल बिट बेसिकली क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लाइक कि 1 है तो 0, 0 है तो 1, सिंपल, ठीक है। तो ये तरीका है क्या क्या निकालने का, 1s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली, मतलब हम इतना भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि ये लिखेंगे उसमें से घटाएंगे फिर हमें जो मिलेगा वो आंसर, लाइक डायरेक्ट देख करके ही हम आंसर बता सकते हैं, आंसर वही आएगा, मतलब जो एक्चुअल मेथड है वो यही है, ठीक है ना, एक्चुअल मेथड यही है। तो हम ऑब्जर्वेशन पहले क्या कैलकुलेट करने का, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच डिजिट, ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट, टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच डिजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 1 0 1 0 1 1 1 0, अब इसका बोला गया कि फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट, तो बोलो जरा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही बोलो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0, देन 0 एंड 1, सिंपल है, ठीक है ना, एग्जैक्टली क्या कर दिया हमने, जस्ट उसकी उसका हर एक नंबर का क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब सेकेंड क्या है आपका, दैट इज व्हाट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट। कन्वेंशनल तरीका क्या है कि आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो प्लस क्या कर दो, 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आपके पास क्या आ जाने वाला है, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट जैसे अब यही है, यहीं पे अगर देखा जाए तो 0 1 0 1 0 0 0 1, अब प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 0
1 1 0 एंड देन आपका 1, और फिर एग्जैक्टली आपने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ए क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। ओके, अब अगर देखा जाए, अगर मुझे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका बोला जाए 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट, पहला स्टेप 1s कॉम्प्लीमेंट, दूसरा स्टेप 1 ऐड करना। ठीक है, अब इससे भी एक आसान तरीका है, उसको देखते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, ध्यान से सुनना। इससे भी आसान एक तरीका है, उस पे फोकस करते हैं। देखो, 1 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूंगा बोलो, 2s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट, क्योंकि मैं ये सारी स्टेप्स बचाना चाह रहा हूँ। कौन सा, ए वाला भी और ए भी, मतलब अब सोचो ना, मतलब बताने में एटलीस्ट 25 से 30 सेकंड तो जाएगा ना, ठीक है ना। तो वो टाइम भी अगर मुझे सेव करना है, तो देखो कैसे करूंगा। सिंपल क्या करना है, आप यहां से उठो, इधर से जाओ, ठीक है, और सेम नंबर लिखते जाओ। कब तक लिखना है, जब तक कि 1 जाए। तो पहला डिजिट क्या 1 है क्या, नहीं, तो एग्जैक्टली लिख लो। अभी दूसरा डिजिट 1 आ गया, ठीक है, तो उसको भी लिख लो, उसको भी लिख लो। अब उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं सबका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट। तो देख लो क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 1 0। देखो क्या ये और दोनों आंसर सेम है क्या, देख पा रहे हो? फिर से देखो, एक दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है, और 0। चलो इसका बोलो 2s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट मेथड से, 0 0 1 0 0 0 1 0 1, दैट इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है, कैंसिल तरीका भी आपको पता है, और इस तरीके से भी आप बता सकते हो, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ये जस्ट मैं क्या बता रहा हूँ कि जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं उस चीज को, अदरवाइज कन्वेंशनल तरीका तो हमारे पास है ही, कि क्या करो, 1 1 लिखो, उसमें से वो नंबर घटाओ, जो आएगा उसमें 1 ऐड करो, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। अब हमें टाइम सेव करना है, तो हमें इन चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है यार, जैसे देखो, मान लो एक क्वेश्चन और कर लो, चलो इसका बताओ 2s कॉम्प्लीमेंट, 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है ना। जैसे ही पहला 1 दिख जाए, राइट से स्टार्ट करो, जैसे ही पहला 1 दिख जाए उसको एज इट इज लिख दो, बाकी जितने भी आए सबको क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। क्लियर है? क्योंकि हम उस टाइम पे जब हम इसको यूज कर रहे होंगे, तो हमें इतने, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन सब में इन्वेस्ट करें, ये सारी चीजें लिखें। क्लियर है ना? मतलब ये हम क्या सीख रहे थे, कि 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना, किसी बाइनरी नंबर का 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना।